व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। आज का टॉपिक बड़ा ही शानदार टॉपिक है। टॉपिक है यहाँ पर फंड्स। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट अगर कुछ काम करती है, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम लगा लो या फिर कोई इमरजेंसी, कोई कंडीशन आ गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं भूकंप आ गया, कोई भी ऐसी कंडीशन बन गई, तो उसके लिए भी यहाँ पर पैसे की जरूरत पड़ती है। कोई रिहेबिलेशन प्रोग्राम चलाना है, वहां पर पैसे की जरूरत पड़ती है। तो गवर्नमेंट कुछ भी अगर काम करती है तो उसको पैसे की जरूरत पड़ती है। आखिर ये पैसा आता कहां से है, तो उसी के बारे में आज का हमारा टॉपिक है और उसी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या क्या इससे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, इसको निकालने के लिए क्या यहाँ पर वोट डालनी पड़ती है, क्या कहीं से परमिशन लेनी पड़ती है, किस तरीके से इसका यूटिलाइज हुआ जा किस तरीके से इसका यूटिलाइज करते हैं हम लोग, और ये फंड इकट्ठा कैसे होता है, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं इस फंड के, सारी डिटेल में आप लोगों को आज इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाली है। तो यहाँ पर तीन तरीके का फंड आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसको आप लोग सरकारी मनी भी बोल सकते हैं, गवर्नमेंट की मनी इसको बोल सकते हैं। पहला है यहाँ पर पब्लिक अकाउंट, जो कि आर्टिकल 266, याद रखिएगा, ये आर्टिकल कई बार पूछ लिए जाते हैं, मैच करने के लिए भी आ जाते हैं, स्टेटमेंट के बेस के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर आमने सामने लिख देंगे, बोलेंगे मैच कीजिए तीनों में से कौन सा है, ठीक है। तो दूसरा हो गया यहाँ पर कंटिजेंसी फंड, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। आर्टिकल 267 के तहत आता है ये, अनुच्छेद 267 हमारे संविधान में रखा गया है इसको। और तीसरा है यहाँ पर कंसोलिडेटेड फंड। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर नॉर्मली मैं आप लोगों को बोलूं तो आप लोग इसको मानिएगा, यहाँ पर कंसोलिडेटेड फंड, जिसको रेड यहाँ पर कलर में यहाँ पर दिखाया गया है। कंसोलिडेटेड फंड भी 266 आर्टिकल में आता है, जैसे पब्लिक अकाउंट। तो इसी तरीके दो तो आप लोग याद रखी रहेंगे, पब्लिक अकाउंट और कंसोलिडेटेड फंड 266 में आ गया और कंटिजेंसी फंड 267 में आ गया। और एक बात इंपॉर्टेंट और हो जाती है, वो जानने को मिलेगी आप लोगों को आगे, कि यहाँ पर जब कंसोलिडेटेड फंड से मनी निकाली जाती है तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो गवर्नमेंट के पास में ये तीन फंड बोल सकते हैं आप लोग, जिनको गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से यूज करती है अलग अलग टाइम पर, तो इनके बारे में अभी डिटेल में हम लोग देखेंगे आगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कंसोलिडेटेड फंड के बारे में। सबसे पहले कंसोलिडेटेड फंड को देखेंगे हम यहाँ पर। पहले आप लोगों को आर्टिकल पता होना चाहिए, अनुच्छेद 266 के तहत इसको रखा गया है हमारे संविधान में। और इसको यहाँ पर निकालने के लिए, अगर यहाँ से स्पेंडिंग निकालनी है, पैसा निकालना है यहाँ से, तो पार्लियामेंट से अप्रूव लेने की जरूरत पड़ती है। मतलब क्या है, मतलब है कि यहाँ पर वोट डालनी पड़ती है और उसके बाद में आप लोगों का अप्रूवल यहाँ पर मिलता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इसमें पैसा आता कहाँ से। तो देखिए, गवर्नमेंट अगर कहीं से कोई लोन लेती है, ठीक है, वो वाला पैसा हो गया, कहीं से कोई किसी भी तरीका लोन उठाया जाता है। इसके अलावा कोई इनकमिंग रिवेन्यू, किसी तरीका रिवेन्यू अगर आ रहा है, किसी को लोन दे रहा है, वहां से कोई रिवेन्यू वापसी आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर यहाँ पर किसी भी तरीके से पैसा इकट्ठा होता है, आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। सारी जो भी मनी मैक्सिमम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो कंसोलिडेटेड फंड के तहत यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगी। तो यहाँ पे जो भी अलग अलग सोर्सेज से जो भी यहाँ पर मनी इकट्ठी की जाएगी, उस मनी को जब निकालने की बात आएगी, तो यहाँ पर पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है पास्ट में। और कई बार आप लोग यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा, सेस वगैरह यहाँ पर सरचार्ज हो गए, जिस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कृषि कल्याण सेस हो गया, क्लीन एनर्जी सेस हो गया, सरचार्ज हो गए, तो इस तरीके आप लोगों को भी यहाँ देखने को मिलेंगे। पर लेकिन ये नॉर्मली तभी यहाँ पर देखने को मिलेंगे अगर पार्लियामेंट चाहेगी तो। अगर पार्लियामेंट यहाँ पर इनको रखना नहीं चाहेगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो यहाँ पर इसको रखना चाहती है या नहीं रखना चाहती है। तो यहाँ से ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर इसलिए कि आर्टिकल 266 के तहत इन पे यहाँ पर रखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को थोड़ा क्लैरिटी यहाँ पर होनी चाहिए। तो यहाँ से ये तो बात हो गई इसके बारे में। आगे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कंसोलिडेटेड फंड से, आप लोगों को कई बार ऐसा भी एरिया होता है जहां पर यहाँ पर वोटिंग डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। वो क्या होता है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा जब चार्ज आइटम के लिए निकाला जाता है। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था, मान लीजिए सैलरी निकाली जा रही है यहाँ पर, जो प्रेसिडेंट की सैलरी है उसके अलाउंसेज निकाले जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई सुप्रीम कोर्ट की सैलरीज वगैरह निकाली जा रही है, हाई कोर्ट के लिए पेंशन निकाली जा रही है। क्योंकि हाई कोर्ट की जब सैलरी की हम लोग बात करते हैं, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, स्टेट गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड से उसकी सैलरी निकाली जाती है। तो इस तरीके का स्पीकर्स की जो सैलरी होगी, यूपीएससी के चेयरमैन या फिर कैक की जो होगी वहां पर सैलरी वगैरह, अलाउंसेस वगैरह, वो सारा यहां पर कंसोलिडेटेड फंड से निकाला जाता है। और उसके लिए कोई वोटिंग भी नहीं डालनी पड़ती है, उसको चार्ज एक्सपेंडिचर या चार्ज आइटम बोलते हैं, ओके। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग यहां पर डिटेल में याद रख सकते हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंड हो गया यहाँ पर पब्लिक अकाउंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको भी बोल सकते हैं और इसको आप लोगों को याद रखना है, कई तरीके से इसके बारे पर क्वेश्चन पूछा जाता है। खासकर मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर बताता हूँ। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा रिमिटेंस, रिमिटेंस जो होता है, अगर वो रिमिटेंस बाहर से आ रहा है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा पब्लिक अकाउंट में जा रहा है। मतलब जो भी कंसोलिडेटेड फंड में जो पैसा जाता है, उसके अलावा जो भी पैसा सारा जाता है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो पब्लिक अकाउंट्स के अंदर जाता है। ये आर्टिकल 266 के अंदर आता है। सबसे बड़ी बात क्या है, वो सबसे बड़ी बात डिफरेंस ये है, यहां से पैसा निकालने के लिए आप लोगों को नॉर्मली पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। पार्लियामेंट में अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब जाकर आप लोग कंट्रीजेंट यहां पर कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाल सकते हैं। पर लेकिन जब पब्लिक अकाउंट की बात आती है, तो यहां पर
पर बिल्कुल ऐसे होता है जिस तरीके से आप लोग बैंक से मनी निकाल के आते हैं, किसी भी पार्लियामेंट की अप्रूवल यहाँ पर नहीं पड़ती है। एक तो ये बात हो गई, दूसरा मान लीजिए आप लोगों के म्यूचुअल फंड वगैरह हो गए, इस तरीके की जो भी यहाँ पर डिपार्टमेंट का अलग अलग कलेक्शन हो गया, थोड़ा बहुत इस तरीके का जो पैसा है वो सारा भी यहाँ पर आप लोग पब्लिक अकाउंट में जाता हुआ नजर आएगा। पर रिमिटेंस जरूर याद रखिएगा, क्योंकि वर्ल्ड में आज की डेट में अगर आप लोग काउंट करेंगे, आज जब मैं लेक्चर दे रहा हूं आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये यहां पर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिमिटेंस इंडिया में आता है, लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा 60 बिलियन से भी ऊपर, ठीक है 62 या 65 बिलियन के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा। 62 बिलियन था लगभग 2016 में, 2017 में लगभग अप्रोक्सीमेट आप लोगों के लिए मिला है यहां पर 65 बिलियन। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिमिटेंस हमारी कंट्री में आता है, तो जो सारा रिमिटेंस आता है वो सारा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ओके, तो ये भी आप लोग थोड़ा बात याद रख सकते हैं इसके बारे में, यहां से डायरेक्ट पैसा निकाला जा सकता है, किसी से अप्रूव लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे जैसे बैंक में जाएंगे, बैंक में हमारा खाता नहीं होता है, पैसे निकाल के ले आते हैं हम लोग जब हमारा मन करता है, जब गवर्नमेंट का मन करता है इसमें से पैसे निकाल लेती है, किसी से कोई अप्रूवल लेने की यहां पर जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, यह भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है यहां पर आर्टिकल 266 में, इसके बारे में आप लोगों को जानने को मिलेगा। देख रहे हैं गवर्नमेंट मनी, गवर्नमेंट कहां कहां से मनी निकाल सकती है उसके बारे में हम लोग यहां पर जिक्र कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं, यहां पर एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा आराम से यहां पर निकाला जा सकता है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यह है कंटिंजेंसी फंड। कंटिंजेंसी फंड के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, कोई भी अगर अनफोर्सीन कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है, अनफॉर्चुनेट कंडीशन बन जा रही है, कहीं पे बाढ़ आ जा रही है, कहीं पर सुनामी आ जा रही है, कहीं पर अर्थक्वेक आ जा रहा है, कहीं पर कोई रेलवे की दुर्घटना हो गई, रेलवे ट्रैक से जो नॉर्मली क्या होता है रेलवे के एक्सीडेंट हो गए कई जगह आप लोगों को देखने को मिलता है, तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, इमीडिएट कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस लिए यहां पर अगर कोई पैसा निकाला जाना है तो उसके लिए यहां पर बात की जाती है कि उसके लिए यहां पर मनी हाथ से निकल के आएगी, जिसको बोलते हैं हम कंटिजेंसी फंड। यहां पर 267 आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये आर्टिकल भी आप लोग यहां पर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात क्या आती है, नेक्स्ट बात निकलकर यहां पर यह आती है इसके बारे में कि इसमें से भी पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती है। मतलब क्या है, मतलब यह एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा आराम से पैसा निकाला जा सकता है, ये पैसा प्रेसिडेंट के अंडर में रहता है और बिहाफ ऑफ द यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा फाइनेंस सेक्रेटरी, यहां पर इसका आप लोगों को बोलना पड़ेगा, जिसका कंट्रोल करता है एक तरीके से, मतलब रहता तो गवर्नमेंट का ही है बट हेड यहां पर आप लोगों को फाइनेंस सेक्रेटरी नजर आएगा बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये बात भी आप लोगों से पूछी जा सकती है, 1950 में इसको एक्ट के द्वारा कंटिजेंसी फंड को बनाया गया था, अगर कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन बनती है तो यहां पर पैसा देखने को मिलेगा, इस पैसे को यहां से निकाल लिया जाएगा उस अनफॉर्चुनेट कंडीशन में। पर लेकिन इसके अपोजिट में आप लोगों को एक साइकिल नजर आएगी, मान लो यहां से पैसा उस टाइम पर तो आपने निकाल लिया, पर जब यहां से पैसा आप लोगों ने खर्च कर दिया फिर इस पैसों को भरना भी पड़ेगा, पैसा इसमें लेके भी आना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर में कोई ऐसी कंडीशन बन सकती है, तो फिर कुछ टाइम के बाद आप लोगों को देखने को पड़ेगा इसमें फिर से पैसा डाला जाएगा, पर वो पैसा कहां से निकल के आएगा, वो आएगा कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकल के आएगा। और फिर से आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, फिर से ये देखने को मिलेगा जब जब कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाला जाता है तब तब पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो अगर मैं आप लोगों को इनडायरेक्ट वे में बोलूं तो क्या आप लोगों को नजर आएगा, इनडायरेक्ट वे में सीधी सीधी सी बात यह है कि अगर यहां पर पार्लियामेंट का अप्रूवल, यहां पर इनडायरेक्ट वे में पार्लियामेंट के अप्रूवल से ही यहां पर पैसा आ रहा है, यहां पे जो पैसा एक बार आ गया है वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के अप्रूवल से ही आ रहा है, पर लेकिन जब इमीडिएट यहां से निकालना पड़ेगा तब पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ी सी ये साइकिल आप लोग याद रखते हैं, कंफ्यूजन करने की कोई जरूरत नहीं है माइंड में, बस थोड़ी सी क्लैरिटी रखिएगा कि हाँ एक्चुअल में प्रोसीजर क्या है, क्योंकि आप लोगों के माइंड में अगर प्रोसीजर समझ में आ जाता है ना किस किस प्रोसेस से चीजें होकर आ रही है तो फिर आप लोग उसको अच्छे से याद रख पाएंगे, आप लोगों को चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी, फिर आप लोगों की समझ में चीजें आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर कंटिजेंसी फंड नजर आता है, और ये कंटिजेंसी फंड थोड़ा इसका आप लोग मनी भी याद रखते हैं, आज के डेट में 500 करोड़ आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, इमीडिएट कंडीशन में कोई सिचुएशन बनती है तो 500 करोड़ रुपए यहां से निकाले जा सकते हैं उस सिचुएशन को संभालने के लिए इमीडिएट टाइम पर, ठीक है। अब आप लोगों को ये देखने को मिलेगा इतना सारा फंड है किस किस तरीके से यहां पर क्या खर्चा हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कौन रखता है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर CGA, इसको बोलते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। एक तो होता है कैग, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो वो अलग है, यहां पर बात की जा रही है CGA, इसको बोलते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ये यहां पर इसकी देखरेख आप लोगों को करता हुआ नजर आएगा। तो इसके बारे में क्वेश्चन पास्ट में पूछा जा चुका है, कैग क्या काम करता है उसके ऊपर कंप्लीट लेक्चर डिटेल में मैंने ले रखा है, जाकर आप लोग देख सकते हैं, सारे लेक्चर्स के लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएंगे। तो कैग के बारे में तो डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वहां पर मिल जाएगी, पर जब बात करते हैं CGA के बारे में तो यहां पर जब बात करेंगे तो आप लोगों की समझ में आएगा कि यहां पर ये इसको देखरेख करता है, जो कि बात की जा रही है जिस फंड के बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया है।
नॉर्मली अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री को आप लोग देखेंगे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में कई सारे डिपार्टमेंट आप लोगों के सामने नजर आते हैं। जब हम लोग बजट की बात करें तो बजट के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा जो हमारा जो इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर बजट तैयार करता है। सर्वे वगैरह आप लोग देख सकते हैं, तो CSO वगैरह हो गया, ये सारी बातें मैं आप लोगों को जब बजट का लेक्चर ले रहा था उसमें सारी बातें मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। तो इस तरीके से कई तरीके कहां से रेवेन्यू आ रहा है, कहां पे हम लोग खर्चा कर रहे हैं, तो अलग अलग एरिया में अलग अलग चीजें आप लोगों को यहां पर नजर आएगी। तो थोड़ी सी बातें इस तरीके की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, अगर कोई पूछे कभी आपसे आप लोग वहां पर उसको बता सके। तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन थी, आइए यहां पर ये आज के बारे में। और हाँ, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट की आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और बता देता हूं। यहां पर जब आप लोगों को पता चलेगा कि इनका अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, तो यूपीएससी के थ्रू सिलेक्शन होता है। यहां पर यूपीएससी के थ्रू जो सिलेक्शन होकर जाते हैं उन्हीं में से यहां पर चुना जाता है। वो यहां पर ऊपर की सर्विस आप लोगों को देखने को मिलेगी, IAS हो गया, ऊपर सुन लेते हैं IFS हो गया, IPS हो गया। आप लोग जैसे जान देखेंगे यहां पर टोटल आप लोगों को जो सर्विस देखने को मिलेगी वो लगभग 24 सर्विस है यहां पर, ठीक है। तो 24 सर्विस में से एक सर्विस यहां पर ये भी देखने को मिलेगी जिसमें आप लोग हाईएस्ट पोस्ट पर अगर जाएंगे, अकाउंट की जो सर्विस होती है, ठीक है, तो अकाउंट्स वाली जो सर्विस में हाईएस्ट पोस्ट पर जब जाएंगे यहां पर, तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। तो कुछ इन्फॉर्मेशन थी, आप लोग देख सकते हैं, इसको भी थोड़ा याद रखिएगा। तो ये था छोटा सा लेक्चर यहाँ पर सरकारी मनी के बारे में। आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से मनी निकाली जाती है और कैसे उसका खर्चा करते हैं, कहाँ पर सरकारी कहाँ पर वो पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है और कहाँ पर नहीं पड़ती है। तो ये था लेक्चर आज का, इतना ही आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को। देखिए चीजों को शेयर कर दिया कीजिए फेसबुक वगैरह पे ताकि सबको फायदा हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते रहते हैं कि सर लेक्चर का, कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर लेक्चर का PDF वगैरह दे दीजिए। PDF मैं आप लोगों को जल्दी ही प्रोवाइड कराने वाला हूं क्योंकि बहुत सारे PDF हो गए हैं। एक्चुअली में आज तक मैंने वो PDF, पहले जो PPT होती है उसको PDF में कन्वर्ट करना पड़ता है, अब तक मैंने उसको कन्वर्ट नहीं किया, तो अब आराम आराम से मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। आप लोग जानते हैं कई सारे लेक्चर हो जाते हैं इवनिंग से मॉर्निंग तक, उनकी PPT बनानी पड़ती है, रिकॉर्ड करना पड़ता है, डिकोड करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, तो टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो थोड़ा टाइम दीजिए मुझे, जल्दी आप लोगों को मिल जाएंगी सारी PDF। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।